नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट नंबर और डिजिट इनटू वर्ड्स इन इंग्लिश इन एक्सेल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर नंबर या डिजिट को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें। ये आपको कहाँ पे उपयोग होता है, जैसे कि आप अगर कोई शॉप में या तो फिर आप कंपनी में आपका जो बिल जनरेट करते हैं जो कि एक्सेल में है, तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो नंबर आएगा उसको आपको वर्ड में कन्वर्ट भी करना है, तो वहाँ पे ये आपको उपयोग में आएगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने के लिए। एक्सेल में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ आनी चाहिए, एक तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और दूसरा कॉपी पेस्ट करना अगर आता है, तो आप ये आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। मैं आपको तरीका आगे बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 13 लिखा है, तो इसको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं एक्सेल में, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त हिरेन शुक्ला और आपका स्वागत है आपकी पसंदीदा चैनल शिरन एक्सेल फ्रेंड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम डिजिट या नंबर को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला कि कोई ऐसा फंक्शन या फिर कोई ऐसा सेटिंग नहीं है कि जिससे आप ये वर्ड में कर सकते हैं। बट मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आप कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से कि आपको एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, एक्सेल फाइल है, तो वहाँ से डाउनलोड आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यही वाला फाइल होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये फाइल को आपको जाना है माय कंप्यूटर में। उसके बाद आपको आपकी लोकल डिस्क जो भी ड्राइव है उसमें जाना है। वहाँ पे यूजर्स में आपका खुद का जो भी रहेगा, यहाँ पे मेरा खुद का है, तो आपका जो भी रहेगा उसमें जाना है। उसमें आपको ऐप डेटा में जाना है। ये थोड़ा स्टेप याद रखिएगा ताकि आपको जाना है कहाँ पे। उसके अंदर आपको रोमिंग के अंदर आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। और उसके अंदर एडिंग्स, तो उसके अंदर एडिंग्स में जाके आपको क्या करना है, सिंपली जो आपने फाइल जो है डाउनलोड की है वो वहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, ठीक है। अभी पेस्ट कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है ऑप्शन में, और उसके बाद आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिंग्स मिलेगा, तो एडिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ पे जो हमने ये फाइल का नाम है शिरेन वाला, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐसा। तो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैनेज में जाना है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेल एडिंग्स मिलेगा। और भी ऑप्शन है, बट आपको पहला ये बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो सिलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शिरन करके आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये बॉक्स पे क्लिक कर देना है और उसको ओके प्रेस कर देना है। बस सिंपली आपको इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जब भी आपको कन्वर्ट करना है, तो इन इंग्लिश इन ENG ऐसा करके आपको एक फॉर्मूला एक बनाया है, उससे कि ये आपका एड इन जो है उसमें आपको ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और फिर आपको सेल जो है वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे जिसको आपको नंबर में से डिजिट में वर्ड में सॉरी वन वर्ड में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और जब आपको इसको डिजेबल करना है तो सिंपली वहाँ से ही आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके एडिंग्स में जाके इसके ऊपर फिर से वहीं पे ही जाके इसको अनटिक करके ओके कर देंगे तो आपका डिजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, है ना। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप कुछ नए वीडियोज़ या आपको कुछ
एक्सेल में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो उससे क्या है कि मैं आपको अगला मेरा वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको हेल्पफुल बने, इससे आपको आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे मैं नया वीडियो बनाऊंगा आगे में ऐसा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए आपकी पसंदीदा चैनल किरण एक्सेल फ्रेंड में। खुश रहे और आपके परिवार को खुश रखें। धन्यवाद।